हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम पेपर ऑफ बीकॉम सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन सेशन 2024 हेल्ड इन जुलाई 2024 फैकल्टी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट ईएफएम इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम टाइम अलाउड 3 आवर्स मैक्सिमम मार्क्स 120. इंस्ट्रक्शंस गिवन है नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट हेंस द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक. कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी. कैंडिडेट को अपनी मेन आंसर बुक में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. आंसर्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मस्ट बी गिवन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. जो शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं उनको आपको सीक्वेंस में ही लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर में गिवन है. Similarly, all the parts of one question of descriptive part should be answered at one place in the answer book. इसी तरह जो बड़े question हैं उनमें उनके जो भी parts given हैं उनको एक ही जगह लिखेंगे, अलग अलग जगह नहीं लिखेंगे. जैसे A, B, C, D, चार part given हैं तो चारों को आपको एक साथ ही लिखना है. Write your roll number on question paper before answering the question. प्रश्नों को लिखने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिखना है. नाउ द पेपर पैटर्न. क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ए बी एंड सी. पार्ट ए 20 मार्क्स का है. पार्ट ए ऑफ पेपर विल बी कंपलसरी हैविंग 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. पार्ट ए में आपके पास 10 क्वेश्चंस गिवन है जो कि 2 मार्क्स ईच के हैं. The first question shall be answered on knowledge, understanding and applications of the topic text covered in the syllabus. जो first part है आपका वो आपकी syllabus में given topic और text से related knowledge और understanding पर based है. ये part A के सारे questions करना compulsory है. Part B वो भी 20 marks का है. Part B of the paper shall consist of 4 short answer questions, selecting one question from each unit of 10 marks, attempt any 2. अब इसमें आपको 4 questions given हैं. सारे question आपकी हर unit से cover किए गए हैं. हर question 10 marks का है. आपको 2 question करने हैं. 4 में से 2 करने हैं. कोई सी भी 2 कर सकते हैं. Part C 80 marks का है. Part C of the paper shall consist of 4 units, each unit carrying 1 descriptive question with internal choice. The student shall attempt 1 question from each unit. Each question carries 20 marks. Part C में 4 units हैं. हर unit में से 1 descriptive question internal choice से दिया हुआ है. स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन हर यूनिट से कवर करते हुए करना है. हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है. तो इस टाइप से आपका ये पूरा पेपर 120 मार्क्स का हो गया है. पार्ट बी फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैंक. बैंक को परिभाषित कीजिए. सेकंड राइट 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. व्यापारिक बैंकों के 4 प्राथमिक कार्य लिखिए. थर्ड व्हेन आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड. आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ. फोर्थ राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीएम. एटीएम की फुल फॉर्म लिखिए. फिफ्थ व्हाट इज इनोवेटिव बैंकिंग. अभिनव बैंकिंग क्या है. सिक्स्थ डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. विनिमय साध्य विलेख को परिभाषित कीजिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. भारतीय वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हो. What is meant by debt market? ऋण बाजार का क्या अर्थ है. What do you understand by merchant bank? Merchant bank से आप क्या समझते हैं. Define mutual fund. पारस्परिक निधि को परिभाषित कीजिए. Part A discuss कर लिया है. Now the part B, जिसमें first unit से first question है write quantitative methods of credit control of RBI. भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां बताइए. 10 नंबर का है. यूनिट सेकंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. क्रेडिट कार्ड के लाभों को लिखिए. 10 मार्क्स. यूनिट थर्ड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. वित्तीय बाजारों के प्रकार बताइए. फोर्थ राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईडीबीआई. आईडीबीआई के उद्देश्य लिखिए. 10 मार्क्स. तो इस टाइप से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हैं. उनमें से आपको 2 करने हैं. द पार्ट सी. पार्ट सी में फर्स्ट यूनिट से आपका है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए. 20 मार्क्स का. ऑप्शन में गिवन है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ
इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लुक स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको डायग्राम्स या फ्लोचार्ट्स बनाने कंपलसरी रहते हैं, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। यूनिट सेकेंड, डिफाइन चेक, डिस्क्राइब द असेंशियल एलिमेंट ऑफ चेक। चेक की परिभाषा दीजिए, चेक के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। 5+15 नंबर का है। इसके ऑप्शन में है, व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, एक्सप्लेन डिफरेंस इन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रतिज्ञा पत्र क्या है, प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय पत्र में अंतर समझाइए। 5+15, इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है हर यूनिट से। यूनिट थर्ड, डिफाइन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली को परिभाषित कीजिए, भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य एवं अवयव का वर्णन कीजिए। 5+15, जिसके ऑप्शन में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनपीए, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनपीए, एनपीए से आप क्या समझते हैं, एनपीए के मुख्य कारण क्या है। यूनिट फोर्थ, राइट एन एसे ऑन सिडबी, सिडबी पर एक लेख लिखिए। ऑप्शन में है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, भारत में मर्चेंट बैंकिंग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऐसे आपके ये 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है।